तो अगर आप एक बजट राउटर के दिन जाते हैं तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ MI राउटर 3C। आज हम इसी राउटर की अनबॉक्सिंग और इसकी रिव्यू देने वाले हैं। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। मेरा नाम निशान चौधरी, आप देख रहे हैं इंसान भारत। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों जो ये MI का राउटर है, इस राउटर के अंदर आपको इसमें आपको 3 इजी स्टेप में लॉगिन का ऑप्शन मिलता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें इसमें तो आपको इसमें वाईफाई सिक्योरिटी यानी कि आपको इसमें WPA और WPAS इंटरप्राइज भी देखने को मिलता है। अगर बात करें तो आप इसमें नोटिफिकेशन भी अपने स्मार्टफोन में एनेबल कर सकते हैं, यानी कि कोई दूसरा अगर आपकी इस वाईफाई से कनेक्ट होता है तो आपको स्मार्टफोन में सीधा नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपको इसमें इसका ऐप डाउनलोड करना होगा। इसका ऐप डाउनलोड करने के लिए इसमें आपको यूजर मैनुअल दी गई है। साथ ही आप इसमें अपने वाईफाई को बूस्ट कर सकते हैं, यानी कि वाईफाई में जितने भी जो ऐसी फाइलें हैं जिनको वाईफाई कनेक्टेड है उनसे और वो काम उस वक्त नहीं आ रहे तो वाईफाई ने बूस्ट करके उन्हें कुछ देर के लिए लगभग डिस्कनेक्ट कर देता है, जिससे बाकी की डिवाइस में स्पीड बढ़ जाती है। इसी में साथ ही साथ आपको OS सपोर्ट मिलता है, यानी आपके पास कोई भी स्मार्टफोन हो, एंड्रॉयड हो, iOS हो या फिर आपके पास विंडो हो या मैक हो, तो आप उनके आसानी से इसे वायर्डली या फिर वायरलेस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसमें पेंटर कंट्रोल मिल जाता है। अगर आप जाना चाहते हैं पेंटर कंट्रोल किया है तो इसके बारे में एक वीडियो पहले बना चुका हूँ। और साथ ही साथ आप इसमें आपको वाईफाई रिपीटर मोड मिल जाता है, यानी कि आप इसे रिपीटर मोड में भी काम में ले सकते हैं। और साथ ही साथ आपको इसमें वाईफाई में अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपको इसमें रीसेट की पिन भी मिलती है, जिससे आप वाईफाई पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। ये होते हैं अगर, और अब हम बात करते हैं इसके बॉक्स कंटेंट की। सबसे पहले इसकी आप ये अनबॉक्सिंग देख लीजिए। आगे से अगर आप देखते हैं तो ये आपको लगभग मिलता है 7 से 8 MM। इसमें आपको 4 एंटीने मिल जाते हैं जिन्हें आप 360 कैसे भी अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं। और अगर इसमें बात करें तो आपको इसमें PC मिल जाता है, एक वैन पोर्ट, 2 LAN पोर्ट और साथ ही आपको यहाँ पर आगे मिलती है इंडिकेटर लाइट। ये इस इंडिकेटर लाइट आपको 2 कलर वेरिएंट में मिलती है, यानी कि ये अगर जिस वक्त इसका कलर ऑरेंज है इसका मतलब इसलिए उस वक्त ये एडिटिंग मोड में, यानी कि आप इसमें पासवर्ड एडिट कर रहे हैं या फिर ये रिस्टार्ट हो रहा है। मगर अगर इसकी लाइट ब्लू हो जाती है इसका मतलब ये इस वर्किंग मोड में है। इसमें आपको आगे एक LED लाइट दी जाती है, पीछे 2 ये वॉम पेज दिए जाते हैं। चल जाता है यहाँ पर आपको वाईफाई रीसेट बटन भी मिलता है और यहाँ पर आपको इसका चार्जर मिल जाता है, यानी कि ये आपको 5 वोल्ट साथ ही साथ 1 एम्पियर में देखने को मिलेगा। इसका जो पावर है वो आपको इसमें 5 वोल्ट और साथ ही साथ 1 एम्पियर देखने को मिलती है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये बजट वाईफाई MI राउटर 3C का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।